वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कल हमने जो है समष्टि अर्थशास्त्र जो है शुरुआत की थी उसकी मैक्रो इकोनॉमी जो क्लास ट्वेल्थ की है उससे। और ये जो मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाते हैं यदि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। और उसके बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर होती हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जो टर्म है वो काफ़ी टफ होते हैं, उन्हें समझना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो लिखे एक वर्ड होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे पॉलिटी हो गया, ये हम इनकी सिर्फ एक शब्द को पढ़ के हम उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी बातों को समाहित किए हुए रहता है। तो आपकी ये जो एनसीईआरटी है बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होगी आपका जो है नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो मेरा लेक्चर था, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब आप उसे देख लेंगे तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो लेक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको कल समझा दिया था मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है सब। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसमें डिफरेंस क्या है अब उसी के आगे है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र है तो वो किन किन चीज़ों पे, ये किस चीज़ का बारे में अध्ययन करता है और वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपके देखिए एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र, इन चार क्षेत्रों के संयोग के रूप में देखा जाता है। मतलब इन चारों क्षेत्रों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये चार क्षेत्र हैं अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। समष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है, तो ये अब इसके बारे में ही यहाँ बताया गया, तो वो आपका एक ऑब्जेक्टिव भी है तो उसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले कि पूंजीवादी देश होते क्या है, यहाँ लिखा हुआ है पूंजीवादी देश, तो पूंजीवादी देश कौन से होते हैं, तो पूंजीवादी देश या पूंजीवादी कौन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ बहुत अच्छी डिफिनीशन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में कि पूंजीवादी देश जो हैं ये होते क्या हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम देखें कि पूंजीवादी देश क्या होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए लिखा हुआ है इनका जो है उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व होता है, दूसरा ये बाज़ार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन करते हैं, और तीसरा ये सेवाओं का क्रय और विक्रय एक निश्चित कीमत पर करते हैं जिसे हम मजदूरी की दर कहते हैं। ठीक है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। अब इसका अर्थ क्या है ये तो आपने पढ़ लिया परिभाषा, तो देखिए उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो जो उसमें इंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्यमी होता है, तो वो उद्यमी जो होता है वो निजी होता है, मतलब कोई निजी स्वामित्व होता है। जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। ठीक है, मिक्स्ड हमारी इकोनॉमी है, पूंजीवादी भी है और सरकार का भी रोल रहता है, गवर्नमेंट का भी रोल रहता है, तो हमारे यहाँ दोनों है। लेकिन जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, तो अमेरिका जो है एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ जो है मार्केट को पूरा कैप्चर किसने करके रखा है, जो वहाँ प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी है। ठीक है, निजी सेक्टर है, उसने जो है मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। मार्केट में डिमांड कैसा होगा, कैसे प्रोडक्शन कितना करना है, तो वो जो है वो सारे डिसीजन लेता है। वहाँ गवर्नमेंट का जो रोल है वो कम रहता है इसमें। ठीक है, हमारे देश में जो है गवर्नमेंट जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों, जैसे कि रेल, हमारा रेल जो है गवर्नमेंट के अंडर पर है ना, तो जो भी हमारी आधारभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं उसमें कौन रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। यदि हम, क्योंकि अभी हमारी देश जो है वो विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, तो विकासशील है, तो अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, तो इसलिए जो है सरकार को हर जगह अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है। क्योंकि जो है यदि हम सारी चीज़ें प्राइवेट के सेक्टर के हाथों पे कर देंगे तो प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट जो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, वो पहले अपना प्रॉफिट देखते हैं, बाद में वो सोसाइटी के लिए आते हैं। मतलब उनको सोसाइटी के लिए अपना काम तो करते हैं लेकिन उसमें भी वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं। इसीलिए जो है सरकार का रोल अभी हमारे देश में ज़्यादा है, इसीलिए जो है
बहुत से जो अभी आप यदि कभी भी गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर को यदि प्राइवेट करने की कोशिश करती है या उसके लिए योजना बनाती है तो उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? इसी रीज़न से कि जो सरकार है तो वो सरकार क्या है, वो जनता की भलाई को लेकर चलेगी, जनता के बारे में सोचेगी। यदि हम उस सेक्टर को पूंजीवादी मतलब कि हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर देंगे तो हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट तो बहुत फास्ट होगा उसमें, क्योंकि जो प्राइवेट है उसको क्या चाहिए, उसको प्रॉफिट चाहिए। यदि उसे प्रॉफिट चाहिए तो वो क्या करेगा, यदि आपको कहीं भी प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपना वर्क बहुत अच्छा करना पड़ेगा। यदि आपकी वर्क की इफ़िशियंसी, अपने काम की इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो आपको मशीनें बहुत अच्छी लगानी पड़ेंगी, ठीक है, आपको वर्कर्स को वेजेस बहुत अच्छे देने पड़ेंगे, सारी चीज़ें आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत टाइट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब आप जो है एक बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हो जाएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब हमें इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, हमें खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा खर्च करेंगे तभी तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ें करेंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं, क्योंकि वो इतना खर्च कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट भी तो लेना है, तो वो क्या है रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। वो गरीबों के लिए नहीं सोचेंगे, अब गरीब है तो उसके पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि वो जो है सबके समान सारी चीज़ें कर पाए, तो वो उसके तो उनके बारे में वो नहीं सोचेंगे क्योंकि वहाँ उनका फ़ायदा नहीं होगा, तो नहीं सोचेंगे। तो इसीलिए जो है बहुत से जो है सब लोग समझती हैं, सब लोग अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के, बोलने लगते हैं कि आप जो है इस सेक्टर को प्राइवेट में मत करिए। जैसे अभी रेल है, रेल को बोला जा रहा है कि उसको प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे, बहुत से हेल्थ सेक्टर है उसको बोला जा रहा है कि प्राइवेट में, क्योंकि उससे इम्प्रूवमेंट तो बहुत जल्दी होगा, लेकिन हाँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना प्रॉफिट भी देखता है, इसकी वजह से जो है वो फिर वहाँ जो गरीब हैं जो पीछे पहले से काफ़ी ज़्यादा वंचित वर्ग हैं तो वो जो है और ज़्यादा पीछे होते चले जाएंगे और उनकी जो दशा है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, ठीक। तो ये आप जैसे सिंपल से एग्जांपल है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही देख लीजिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसा बहुत आता है, गवर्नमेंट फंड बहुत करती, सब कुछ करती, लेकिन क्या वहाँ उतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल हो पाती जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में? क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ रूल्स और रेगुलेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाते, गवर्नमेंट सब गवर्नमेंट का काम है, कोई इतना ध्यान ही नहीं दे पाता है, ठीक है। उनको तो अपनी पेमेंट मिल रही है मंथली, प्राइवेट में क्या होगा यदि आप काम नहीं करेंगे तो जो उसका मालिक है वो आपकी पेमेंट काट लेगा, ठीक। तो वो क्या करता है, वो मजबूर है काम करने के लिए, वो जितना काम करेगा वर्कर उतना उसको उस जो उसको काम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिलेगी, इसलिए वो मजबूर होता है काम को करने के लिए कि उसको अच्छे से अच्छा काम करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, आप गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, सब में आपको यही डिफरेंस दिखता है, जबकि गवर्नमेंट जो टीचर है उसको हाई पेमेंट मिलती है प्राइवेट के कंपेरिजन में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अच्छा नहीं, अच्छे रोल प्ले नहीं कर पा रही है, जो प्राइवेट स्कूल काफ़ी अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको पेमेंट मिल रही है और उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, कोई उनके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन करने वाला नहीं है कि यदि आप इस ये नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को ऐसे नहीं करेंगे, नहीं शिक्षा देंगे तो आपकी पेमेंट काट ली जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन अभी तक नहीं आया, इसलिए वो कोई चीज़ को ध्यान ही नहीं देते, हमें पेमेंट तो मिल रही है, हमें तो मिलती ही रहेगी, हमारे ऊपर कौन बोल सकता है, हम तो जो है परमानेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग इन चीज़ों पे सीरियस नहीं हो पाते और जो है परिस्थितियाँ बहुत अलग हो जाती हैं। तो यही चीज़ है, तो जो जैसे यूएसए जो है वहाँ सारा रोल जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ सारा रोल जो है बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स का है, ठीक है, उस कंट्री को, उस कंट्री की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसीलिए वहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। हम यूएसए जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे वाह यहाँ तो कितनी सफाई है, हमारे यहाँ इतनी नहीं होती। तो आपने क्या दूसरा पहलू भी वहाँ देखा है? वहाँ यदि आप एक छोटा सा भी कचरा गिरा देते हैं ना, तुरंत आपको वहाँ पुलिस आएगी और आपको पकड़ेगी, आपको टैक्स लगा देगी, आपके ऊपर बहुत सारे चार्जेस अप्लाई कर देगी। क्या हमारे देश में ऐसा होता है?
नहीं होता, हम कहीं भी कोई भी कचरा फेंक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट तो ये काम करती नहीं। यदि गवर्नमेंट अभी वैसे ही सारे रूल्स यहाँ अप्लाई करने लगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम उतना ज़्यादा पे ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप मेट्रो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेट्रो ले लीजिए, मेट्रो में इतनी सफाई क्यों होती है? क्योंकि वो प्राइवेट के अंदर है, ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में है, तो वो जो है वो PPP मॉडल पे काम करता है, ठीक है। तो इस मॉडल की वजह से उसमें प्राइवेट का भी रोल है। अब वहाँ देखिए, यदि आप थोड़ा सा भी गंदगी करते हैं आपको तुरंत चार्जेस फाइल कर दिए जाते हैं, तो इस वजह से आप मजबूर हैं, आप वहाँ गंदगी करें क्योंकि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इजीली आप उस तरह अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं क्योंकि वहाँ आपको चार्जेस फाइल हो रहे हैं। जहाँ भी आपको मजबूरी, जैसे आपको हेलमेट लगाना है, अब सुरक्षा आपकी है, गवर्नमेंट की सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा आपकी गवर्नमेंट की भी है क्योंकि आप मानव संसाधन है, ये आप एक संसाधन के रूप में हैं, आपका यूज जो है आप, तो इसीलिए गवर्नमेंट का भी उसमें है रोल, इसीलिए वो आपको बचाती, आपको क्यों बोलती है कि आपकी आपके हेलमेट आप लगाओ या ना लगाओ, क्या करना है गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर चार्जेस फाइल करती है यदि आप हेलमेट नहीं लगाते, क्योंकि आप एक संसाधन के रूप में हो कंट्री के, ठीक है। यदि आपको कोई नुकसान होगा तो सरकार का नुकसान होगा क्योंकि उसका मानव संसाधन कम हो जाएगा, ठीक है, आप प्रोडक्शन का एक पार्ट हो, इसलिए वो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी है साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो चार्ज लगाई तो आप हेलमेट पहनते हैं, यदि वो चार्ज ना लगाए तो आप हेलमेट नहीं पहनते, जबकि सुरक्षा तो आपकी भी हो रही है फिर भी आप नहीं पहनते। तो हमारी जो थॉट्स हैं ना, इस ये थॉट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए तो ये जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट होते हैं, तो पहला निजी स्वामित्व होता है, मतलब कि जो प्राइवेट होता है वो उसका जो होता है प्रोडक्शन में उसका स्वामित्व होता है, वो मालिक होता है, निजी होता है, सरकार मालिक नहीं होती है। तो जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। दूसरा, बाजार में वो निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, जैसे कि हमारा विकासशील देश है, ठीक है, तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है, किसान जो है ज़्यादातर जो करता है, पहले वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सोचता है, उसके बाद जो बचता है उसके बाद वो मार्केट में जाता है, ठीक है, बेचने के लिए, लेकिन अपने लिए पहले अपने परिवार के लिए वो निकाल के रख देता है। यदि नहीं बचता तो मार्केट की तरफ वो रुख ही नहीं करता और ज़्यादा वो प्रोडक्शन भी नहीं करता, इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं है। और जो कैपिटलिस्ट कंट्री है तो वहाँ जो है प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन, तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया किसान का, वहाँ जो है कोई भी प्रोडक्शन होता है तो वो बाज़ार के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो बाज़ार में उस चीज़ की डिमांड है तो उसका प्रोडक्शन होगा, यदि बाज़ार में डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ यदि बाज़ार में डिमांड है भी और नहीं भी है तो भी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ हर वर्ग का जो है नागरिक रह रहा है, कोई गरीब भी है अमीर भी है, तो यहाँ हर चीज़ को देख के चला जाता है, जबकि कैपिटलिस्ट कंट्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सारा प्रोडक्शन बाजार पे डिपेंड करता है, दूसरा ये हो गया फैक्टर। तीसरा, कैपिटलिस्ट कंट्री की विशेषता क्या होती है कि वहाँ जो है सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर किया जाता है, जिसे हम मजदूरी की दर कहते हैं, मतलब कि जो वहाँ सेवा दे रहा है, ठीक है, जैसे कि लेबर हो गया, ठीक, तो उन्हें हम क्या देते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, तो उसी को बोल रहे हैं कि सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पे किया जाता है। तो ये जो है कैपिटलिस्ट कंट्री की एक क्या है, विशेषता है, उसकी परिभाषा है। तो यहाँ पास इसी चीज़, तो एक ये हो गया उद्यमी। उद्यमी एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है और समूह में भी हो सकते हैं, जो कि बड़े निर्णय लेते हैं किसी फर्म या उद्यम को चलाने के लिए, ठीक है, जो जोखिम वहन करता है वो उद्यमी कहलाता है। फिर आपके ये उद्यमी हैं तो उत्पादन के आपके फैक्टर क्या हैं, ये आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्पादन के क्या क्या फैक्टर होते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है कई एग्ज़ाम में, क्या क्या फैक्टर होते हैं, चार फैक्टर होते हैं उत्पादन के कारक। पहला आपका पूंजी कैपिटल, दूसरा आपका भूमि लैंड नेचुरल रिसोर्स, तीसरा आपका श्रम, ठीक है, लेबर, और चौथा आपका एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो चार फैक्टर है इसी पे जो है कोई भी प्रोडक्शन डिपेंड होता है। पूंजी, पूंजी का मतलब पहले यहाँ होता क्या, कैपिटल होता क्या, हम कब से पढ़ रहे हैं पूंजी पूंजी पूंजीवादी देश, तो ये कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसी संपत्ति जो जो है कई, मतलब टिकाऊ हो,
ठीक है, और उस वो जो है हमारी जो है बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसका हम उपयोग करें, कोई तुरंत की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम उसका उपयोग ना करें, ठीक है। जैसे मैंने अपना इसमें शुरुआत की है समष्टि अर्थव्यवस्था में, तो उसमें भी मैंने बताया होगा उपभोग करना, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसी तरह पूंजी, जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमको एक कपड़ा ख़रीदना है, अभी हमको किसी पार्टी में जाना है तो हमको कपड़ा ख़रीदना है, तो हमें कपड़ा लेना है तो उसके लिए हम अपनी ज़मीन को नहीं बेच देंगे, ज़मीन हमारी यहाँ पूंजी के रूप में होगी, ठीक। एक टिकाऊ संपत्ति है और इसका यूज हम तभी करेंगे, उसको हम तभी बेचेंगे जब हमें कोई बड़ी इंडस्ट्री डालना हो, कोई बड़ा फर्म लगाना हो, तब हम अपनी ज़मीन को क्या करेंगे, बेचेंगे, ठीक। या फिर जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, तो वो भी हमारी पूंजी के रूप में ही यूज़ होगा। जैसे हमने कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर ली, तो वो इंडस्ट्री भी हमारी पूंजी के ही रूप में यूज़ होगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री जो है वो किसी और प्रोडक्शन में काम आएगी और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम उसमें वो यूज होगी, ठीक। तो ये पूंजी जो होती है, जो टिकाऊ होती है और जो हमारी बड़ी ज़रूरत लंबा को पूरा करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं, उसे हम पूंजी कहते हैं। जैसे बॉन्ड वगैरह हो गए, तो जब हम बॉन्ड वगैरह खरीद के रखते हैं ना, तो क्या वो तुरंत अभी हमको पैसे चाहिए तो क्या हम अभी मैच्योर हो जाएगा हमारा बॉन्ड? नहीं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के बाद ही मैच्योर होगा, ठीक। तो वो भी आपकी पूंजी कहलाएगी, क्यों? क्योंकि वो उसका एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के बाद वो मैच्योर हो जाएगा और आपको वो पैसे मिल जाएंगे जितने का आपने वो बॉन्ड खरीदा है, तो वो आपके लिए पूंजी है, क्योंकि वो लंबे समय के लिए आपके क्या है, उपयोग के लिए है, जब आपको कोई बड़ी ज़रूरत हो। तो इस तरह फिर इसी पूंजी, जो उद्यमी होता है, तो उद्यमी क्या करता है, जो उद्यम डालता है, जोखिम लेने का जो साहस करता है, वो उद्यमी कहलाता है, ठीक है। तो ये जो उद्यमी होता है, तो ये पूंजी का निर्माण करता है, उसको क्या है, विस्तार करता है, किस रूप में, जो उसको लाभ हुआ है उस लाभ को वो अदर इंडस्ट्री डालने में वो क्या करता है, उस पूंजी का उपयोग करता है, ठीक। तो ये इस तरीके से पूंजी का क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पास अब दूसरा फैक्टर आपका भूमि हो गई, लैंड हो गई, ठीक है। जैसे आपको आपको कोई भी प्लांट डालना है तो आपको लैंड की भी ज़रूरत होगी, नेचुरल रिसोर्सेज जो हो गए, ठीक। तो उसके लिए आप जो है जिससे भी आप लैंड लेंगे तो उसको क्या देंगे, उसको रेंट देंगे उस लैंड का, तो ये हो गया। फिर आपका श्रम हो गया, तो श्रम जो है यदि आप किसी लेबर को हायर करेंगे, वर्कर को हायर करेंगे, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, उसको वेजेस देना पड़ेगा। कैपिटल पूंजी हो गई, पूंजी मतलब आप किसी बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट लेते हैं आप अपनी इंडस्ट्री को डालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसके बल्दी आप बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं, ठीक है। तो ये पारिश्रमिक होते हैं, मतलब कि आप रिम्यूनरेशन जो है पेड करते हैं इनके एवज में, ये सारी चीज़ें। फिर आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, उसका पारिश्रमिक या उसका लाभ क्या होता है, तो उसका क्या होता है, जो उसको लाभ मिलता है, लाभ। फिर आपका यहाँ पास लाभ क्या है, ठीक। तो आप जो उद्यमी हैं, तो जो अपना जो सारा जितना उसने प्रोडक्शन किया है, तो जब वो प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करता है, जो उसे सेल करना है, तो सेल करने के बाद जो उसे अमाउंट प्राप्त होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपने 100 रुपये लिए, 100 रुपये का आपने प्रोडक्शन किया, एक पेन बनाया, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपने एक पेन बनाया 100 रुपये की, आपने उसे मार्केट में सेल किया, ठीक है। 100 रुपये उसका प्रोडक्शन कॉस्ट आया, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब कि ये सारी चीज़ें, इन सब को जोड़ के, जो आपने ब्याज वगैरह ये सब, भूमि, श्रम, लेबर को जो भी वेजेस दिए, इन सब को मिला के, सारा कुछ मिला के जो उसका कॉस्ट आया, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो 100 रुपये है उस पेन का, आपने उसको मार्केट में सेल किया, ठीक। सेल करने के बाद मार्केट से जो भी आपको पैसा मिला, 100 रुपये में आपने किया, तो 100 रुपये आपको मार्केट से मिला, तो वो रिवेन्यू कहलाता है, जिसे यहाँ संप्रांति रिवेन्यू कहते हैं। जब वो पेन मार्केट में बिक गई 100 रुपये की, तो वो आपको क्या हुआ, संप्रांति या रिवेन्यू आपका कहलाएगा। अभी आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, प्रॉफिट कब कहलाएगा, जब आप इस रिवेन्यू को, जो आपसे, जो आपको मार्केट से मिला है, उसमें से इन सब को आप जो इनका पारिश्रमिक है, मतलब जो इनका रिम्यूनरेशन है, जैसे जो पूंजी है जिस बैंक से आपने ली है, तो उसकी ब्याज अदा कर देंगे, जो भूमि है जिससे आपने भूमि खरीदी है, तो उसको आप रेंट दे देंगे भूमि का, जिन वर्कर्स को आपने हायर किया है, तो उनका वेजेस जब आप निकाल देंगे, उस किन सब को निकालने के बाद
जितना भी आपका खर्च है वो सब निकालेंगे। जैसे आपकी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, वाटर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारे कॉस्ट को निकालने के बाद, उस 100 रुपये में माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब वो उद्यमी, जिसका वो उद्यम था, जिसने उस पेन को बनाया था, वो उसका जो है प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसे प्रॉफिट कहते हैं, ठीक। और इसी प्रॉफिट का वो यूज़ क्या है, आगे जो है प्रोडक्शन को बढ़ाने में करता है। मतलब कि अपनी अब दूसरी, ये जो उसको मान लीजिए कि 100 रुपये में सब कुछ उसने सारा खर्च निकाल दिया, तो उसको मान लीजिए 50 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो, 50 रुपीज़ उसका सारा खर्च हो गया, 50 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है उद्यमी का। अब उस 50 रुपीज़ को जो अपना वो सेविंग रखता है, वो सेविंग रख लेगा। उसके बाद मान लीजिए उसने 10 रुपये उसको बस ज़रूरत है, 10 रुपीज़ रख लिया, वो 40 रुपीज़ का अगेन वो एक नई इंडस्ट्री खड़ी करेगा, अगेन वो जो है दूसरा एक प्रोडक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उद्यमी है, उसके वो जोखिम वहन करने की उसमें क्षमता है, उसको एक्सपेंशन करना है, उसे और बड़ा काम और बड़ा आदमी बनना है, तो वो और ज़्यादा अपना एक्सपेंशन करेगा। तो वो जो उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से वो 10 रुपीज़ अपने सेफ्टी के लिए रख लिया और 40 रुपीज़ का फिर वो नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो इसी को बोलते हैं जो है उत्पादन का विस्तार होना, और इससे क्या है, उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है उद्यमी के इस कार्य से। और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना कि उद्यमी इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है कि जो उसको लाभ हुआ उस लाभ से फिर नया प्रोडक्शन, नई यूनिट उसने नया फर्म डाला, तो एक एक्सपेंशन हो गया ना, तो ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक, फिर आपको ये सारी चीज़ें तो हमने क्लियर करी दी। फिर आप देखिए कि जो जैसे कि अब ये पूंजीवादी देश, ये सारी चीज़ें तो अभी नया ही कॉन्सेप्ट है, 300-400 साल पहले ही ये सारे देश जो हैं अस्तित्व में आए हैं। और वर्तमान में जो अभी नए कंट्री जैसे कि उत्तरी अमेरिका हो गए, यूरोप हो गए, एशिया हो गए, ये भी कुछ दिन में पूंजीवादी देश की श्रेणी में आने लगेंगे। एशिया के कुछ देश जैसे हमारे ही देश में देखिए हर चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, प्राइवेट करना है, PPP मॉडल पे करना है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब कि प्राइवेट मतलब प्राइवेट का रोल, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का रोल, मतलब इन दोनों का रोल करना है, जिससे क्या हो कि ग्रोथ भी हो और क्या हो क्वालिटी भी बढ़े, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो, केवल क्वांटिटी ही ना बढ़ती जाए। जैसे कि ढेर सारी गवर्नमेंट स्कूलें खुल जाए और उनमें क्वालिटी कुछ भी ना हो, तो मतलब बहुत सारी स्कूल खुल गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, लेकिन क्वालिटी कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी तो इम्प्रूवमेंट हो रही, साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें PPP मॉडल में काम करना होगा। मतलब कि हमें प्राइवेट का रोल भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे ही हम प्राइवेट को शामिल करेंगे तो प्राइवेट का फर्स्ट फोकस होता है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए। यदि प्रॉफिट चाहिए तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन टाइट करेंगे, ठीक है, वो सारा प्रोडक्शन यूनिट में बहुत फोकस करेंगे, सारे मशीन्स कैपिटल जो पूंजी है, आपकी मशीन भी एक पूंजी का रोल प्ले करती, क्योंकि वो टिकाऊ होती है और दूसरे उत्पादन में सहायक करती है, तो वो भी एक पूंजी के रूप में होती है। तो वो उसको अच्छे से अच्छी लगाएंगे, जितनी अच्छी आपकी पूंजी मशीनें लगाएंगे, वर्कर की इफ़िशेंसी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से क्या बढ़ेगी, ठीक। फिर जब वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस देंगे तो वो प्रॉफिट तो कमाएंगे ही। तो इस तरह जो है हमारा जो है क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट हो गए, थोड़ा पैसे ज़्यादा हमको पेड करने पड़ेंगे लेकिन हमें क्वालिटी भी मिलेगी। इसीलिए इस मॉडल को जो है फेवर किया जा रहा है, और हमारा मेट्रो जो इस मॉडल पे काम किया और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस भी हुआ है, तो और ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका एक तीसरा फैक्टर जो आ जाता है, आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी आता है। हाउस होल्ड सेक्टर जे ये उत्पादन इकाइयों को फर्म कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रही थी फर्म, तो जहाँ जो है उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन की यूनिट होती हैं उन्हें हम फर्म कहते हैं। अब ये जो आपका राज्य हो गया, तो देखिए आपका अभी मैंने क्या बताया कि जो पूंजीवादी ये जो समष्टि अर्थव्यवस्था है, तो समष्टि अर्थव्यवस्था में हम किन किन चीज़ों का बारे में पढ़ते हैं, किन का अध्ययन करते हैं, कि समष्टि अर्थव्यवस्था में हम इन चार चीज़ों का अध्ययन करते हैं, परिवार, फर्म, सरकार और बाह्य क्षेत्र,
ठीक, तो हमने फर्म के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम परिवार और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, परिवार जिसे हम हाउस होल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, पारिवारिक क्षेत्र या हाउस होल्ड सेक्टर, और सरकार, यहाँ सरकार है। तो राज्य की भूमिका कानून बनाने में, उसे लागू करने में, ठीक है, न्याय और न्याय दिलाने में, इन सब चीज़ों में होती है। इसके साथ साथ जो राज्य है वो उत्पादन के कार्य में भी लगा होता है। जैसे कैसे उत्पादन के कार्य में भी सहायक होता है, टैक्स लगाना, टैक्स तो राज्य ही लगाता है ना। तो और सार्वजनिक जो है जो आपके आधारभूत संरचनाएं हैं, तो उन्हें बनाने में, उनका निर्माण करने में, जैसे स्कूल कॉलेज का निर्माण करना, ठीक है, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण करना, रोड बनाना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी भी तो इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। यदि स्कूल और कॉलेज का निर्माण नहीं होगा तो कैसे आपको इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ठीक। आप यदि सेवा क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं करेगी, तो कैसे आपकी इकोनॉमी, यदि आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि आप मानव जो है वो संसाधन है। मानो सिर्फ मानो, हम अपने लिए बस नहीं है, हम अपने देश के लिए भी, अपने सरकार हमें हमारी सुरक्षा के लिए क्यों फोकस करती, क्योंकि हम उसके लिए संसाधन के रूप में भी हैं। यदि हम ठीक नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन करेगा कौन, काम करने कौन जाएगा। अभी जो है सरकार कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा क्यों हमारी हेल्थ पर फोकस करे, क्यों उसने इतना ज़्यादा अपनी इतनी ज़्यादा इकोनॉमी इस टाइम पर लॉस हुआ हमारे कंट्री को, फिर भी उसने लॉकडाउन लगाया, नहीं लगाती, हमको बीमार होने देती, हमको मरने देती, क्या जाता उसका, लेकिन उसने क्यों लगाया लॉकडाउन, कितना ज़्यादा उसको लॉस हो रहा, सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके सारे काम रुक गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं। तो ये सब सरकार ने क्यों किया, इसलिए किया कि यदि आज सारी की सारी जनता ख़त्म हो जाएगी तो कल काम कौन करेगा, तो उसका तो ऑलरेडी, यदि वो आज छोटी सी सोच अपनी रखेगी तो कल उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कल जो है जो अच्छे वर्कर हैं वो उसके चले जाएंगे, और वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अभी यदि वो लॉकडाउन लगा देगी तो हमारा काम तो कुछ दिन के लिए ही बंद होगा, फिर हम वापस अपने काम में आ जाएंगे, और वापस से हम दुगनी चौगनी मेहनत करके हम वापस से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, यदि हम स्वस्थ रहे, अपने आप को हमने स्वस्थ रखा। इसीलिए बोला जाता है कि आपका हेल्दी माइंड लिव इन हेल्दी बॉडी, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप काम कैसे करेंगे, आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो आप अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा लिख नहीं सकते, अच्छा पढ़ नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। तो आपको पहले स्वस्थ रहना पड़ेगा, इसलिए सरकार ने जो है लॉकडाउन को लगाया कि हमारी जब जनता स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, तभी हम भावी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि वो अभी बीमार पड़ जाएगी, वो हम बहुत सारे लोगों को अपने खो देंगे, वो मर जाएंगे, तो भविष्य में फिर हम हमेशा हमेशा के लिए, एक मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, और वो क्या हो गया, कोरोना से प्रभावित हो गया, लॉकडाउन नहीं लगा, कोरोना से प्रभावित हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो अब बताइए हमेशा हमेशा के लिए हमने एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट खो दिया। यदि हम लॉकडाउन लगा देते, यदि वो शेव हो जाता, हाँ कुछ दिन के लिए नुकसान होता, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता, लेकिन एक वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत बड़ी सोच रखता है, उसके विचार कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो वो आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करके वापस से बहुत फिर से अपना प्लांट जो है वो खड़ा कर सकता था, लेकिन वो अब तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया, तो क्या वो अब आगे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी कभी हमें जो बड़े फ़ायदे के लिए छोटे नुकसान करे जाते हैं, ठीक है। और आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो आप प्रशासक में तो ये गुण होना ही चाहिए। आपको ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, बहुत से आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती हैं कि इतना दंगा फसाद है, इतनी बाढ़ है, ये है वो है, तो आप बताओ वहाँ कैसे निर्णय करोगे। तो आपको वहाँ ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि हमें जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को सेव करने के लिए, यदि हमें थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कंडीशन, आपको केस स्टडी लिखने को आती है, केस स्टडी में ऐसे बोल दिया जाता है कि आप जो है प्रशासक हैं, ठीक है, कहीं के, और आपको आपके पास आया है कि आपको एक प्लांट डालना उस एरिया में, या फिर एक नहर बनानी है, और उस नहर बनाने की वजह से बहुत लोग जो हैं अपने घर से जो है वो उनका नहर कहीं से
निकालनी है, तो वहाँ के जो गांव है उनका विस्थापन होगा, वहाँ से हटेंगे, ठीक है, बहुत लोगों का नुकसान होगा, उनकी ज़मीन जाएगी, बहुत ज़्यादा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका नुकसान होगा, पेड़ पौधे सबका नुकसान होगा, तो आप बताइए वहाँ आप क्या डिसीज़न लेंगे, ठीक। तो वहाँ आपको फिर कैसा डिसीज़न लेना होता, आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो छोटा सा नुकसान हो रहा है, तो उस छोटे से नुकसान से क्या आपका बड़ा फ़ायदा हो रहा है, मतलब आपके देश को क्या बड़ा लाभ हो रहा है, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पेड़ पौधे इनका नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या भविष्य में उस नहर के आने से उस आसपास के एरिया में क्या क्या लाभ हो जाएगा, कितनी ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था बढ़ जाएगी, कितने ज़्यादा पानी का सोर्स बढ़ जाएगा, कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, तो वो सोचना पड़ता है। फिर वहाँ गांव का एक मान लीजिए कई गांव का विस्थापन तो हुआ, लेकिन उस नहर के आने से उन लोगों का बाद में भविष्य में कितना इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो भी देखा जाता है और फिर निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे आपको सिचुएशंस जो हैं दी जाती हैं एग्ज़ाम में, चाहे आप इंटरव्यू में जाइए, चाहे आप मेंस का एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि ये जो मेरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है केवल आपके प्री को फोकस करके नहीं चल रही है, प्री मेंस इंटरव्यू सभी को फोकस करके चल रही है, और मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर बताते चल रही हूँ हर जगह, जहाँ जैसा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आप आंसर लिख सकते हैं, जैसे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको सीरियस लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ों के बारे में पता चले, ठीक है। और आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे अब आपको कोचिंग आप नहीं जा पाएंगे, कई दिनों तक नहीं जा पाएंगे, तो आपको जो है आपको ऑनलाइन ही सारी स्टडी करनी पड़ेगी, तो आप अपने आप को ऐसा तैयार कर लीजिए कि फ्यूचर में जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन हो, सारी चीज़ें नॉर्मल हो, तो आपके सारे एग्ज़ाम ही क्वालिफाई हो जाएँ आप, ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन भी बहुत बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह जो है, तो पारिवारिक क्षेत्र, तो ये राज्य हो गया, तो राज्य जो है उत्पादन में सहायक हुआ कि वो कर लगा रहा है, तो वो उत्पादन में सहायक हो गया। फिर वो सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर रहा है, जैसे कि स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों का निर्माण कर रहा है, तो इस इट मीन्स कि जो सरकार है वो भी जो है प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। अब तीसरा सेक्टर जो आ रहा है आपका हाउस होल्ड सेक्टर है, पारिवारिक क्षेत्र, ठीक। तो पारिवारिक क्षेत्र भी जो है इस प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में केवल जो परिवार होता है, तो परिवार से हमारा तात्पर्य ये होता है कि उसमें कोई एकल व्यक्ति उपभोक्ता होता है, या फिर बहुत सारे जो व्यक्ति उस परिवार के जो समूह होते हैं वो सब उपभोक्ता होते हैं। उपभोक्ता का मतलब कि हम जो है चीज़ों को उपभोग करते हैं, जैसे कि हम दूध पीते हैं, मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, फ्रिज चेयर कुर्सी ये सारी चीज़ें हम ख़रीदते हैं, ठीक है, तो ये तो हम उपभोग कर रहे हैं ना। फिर सेवाओं का उपभोग करते हैं, हम एजुकेशन लेते हैं, अब हम बीमार हैं तो हम जाते हैं अपना इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो वहाँ हम सेवाओं को ले रहे हैं। हमारे घर में कोई काम लगा है तो वहाँ हम जो है लेबर्स को रखते हैं, अपना काम कम्प्लीट कराते हैं, तो वहाँ हम सेवा, ये तो ये सेवा हो गई और गुड्स हो गई, तो सारी चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं ना। तो चाहे हम अकेले उपभोग कर रहे हो या फिर परिवार का कोई समूह उपभोग कर रहा हो, तो ये जो हम उपभोग कर रहे हैं तो इसका तो हम पेमेंट भी कर रहे हैं ना। जैसे कि हम मार्केट से दूध खरीदने गए तो हमने दूध का पेमेंट किया ना, कोई भी खान सब्जी खरीदने गए तो उसका पेमेंट किए, ठीक, तो ये हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये हम इकोनॉमिक में हमारा भी तो रोल हो गया, क्योंकि हम उसका पेमेंट करें। यदि हम पेमेंट ही नहीं करेंगे, हम डिमांड करते हैं, तब मार्केट में प्रोडक्शन होता है। यदि अब जैसे इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे देखिए मार्केट की डिमांड कम हो गई है, क्यों, क्योंकि अब जो है हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसे नहीं है, वो अब अपने अपने घर चले गए हैं वर्कर, ठीक है, उन्होंने जॉब छोड़ छोड़ के, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के लिए घर चले गए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर चले गए, तो अब उनके पास पैसे नहीं है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है अब उनके पास डिमांड ही नहीं, पैसे नहीं है तो वो डिमांड क्यों करेंगे। जैसे कि इसेंशियल गुड्स की डिमांड है, लेकिन जो आपके जैसे कि कुर्सी खरीदना था उन्हें, लेकिन अब वो कुर्सी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कुर्सी के बिना वो जी सकते हैं, तो ये आपका इसेंशियल गुड नहीं है, तो इसीलिए वो है इसकी डिमांड वो नहीं कर रहे हैं। तो अब जो मार्केट में कुर्सी कम बनेगी, कोई भी इंडस्ट्री जो कुर्सी बना रही है वो कम बनाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड अब मार्केट में कम हो गई। तो देखिए हमारी वजह से मार्केट में डिमांड कम हो गई, उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम हो गया, तो हम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए पारिवारिक क्षेत्र हाउस होल्ड सेक्टर का भी जो है मैक्रो इकोनॉमिक में स्टडी की जाती है। आगे कैसे स्टडी की जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये सारी मेथड में हम आपको समझाएंगे कि कैसे की जाती है, ठीक है।
तो ये हो गया। तो परिवार की मांग के बिना जो है काम नहीं हो सकता। फिर परिवार को मांग करने के लिए पैसे कहाँ मिलते, क्योंकि वो वर्कर के रूप में इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में काम करने जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, तो वहाँ उनको आय मिलती है, इनकम मिलती है, ठीक है, वेतन मिलता है। तो ये सारी जगह से उन्हें वेतन मिलता है, पैसे मिलते हैं, और इसी पैसे से वो क्या करते हैं, अपना डिमांड करते हैं, और मार्केट में डिमांड होती है और वो इकोनॉमिक में उनका योगदान होता है। फिर आपका चौथा जो सेक्टर है, जो जिसका माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी की जाती है, वो है आपका एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है, बाह्य व्यापार। मतलब बाह्य व्यापार का अर्थ ये होता है कि एक देश जो दूसरे देश से व्यापार करता है। जैसे हमारे प्राचीन समय में भी व्यापार होता था, मसालों का व्यापार होता था, ठीक है, दूसरे देश आके मसाले ले जाते थे और हमें मुद्राएँ दे के जाते थे, कुछ क्योंकि उस टाइम पर जो था हमारा वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा नहीं चलती थी, मतलब करेंसी नहीं होती थी, तो वस्तु के द्वारा विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, तुम हमारी वस्तु ले लो, हम तुम्हारी वस्तु ले लें, तो वस्तु विनिमय व्यापार होता था। लेकिन अब तो करेंसी हर देश की चलने लगी है, तो अब व्यापार जो है करेंसी में चलता है, ठीक है। तो ये जो है बाह्य व्यापार है, तो इसमें बाह्य व्यापार में जब हम किसी की अपनी वस्तु को, अपने जो देश में हमारे बनी है उस वस्तु को जब हम दूसरे देश में बेचते हैं, तो उसे हम निर्यात कहते हैं। जैसे अभी हमारे देश में मान लीजिए हमने पेन बनाया और हम पेन को अमेरिका में बेचने जाएंगे, तो वो निर्यात कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। जब हम दूसरे देश की वस्तु को अपने देश में लाते हैं, खरीदते हैं दूसरे देश से, जैसे कि पेट्रोल हम दूसरे देश से खरीदते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि पूरे देश की मांग को पूरा किया जा सके, तो हम पेट्रोल बाहर से खरीदते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से लेते हैं, ठीक है। तो वो जो इसे हम आयात कहते हैं, मतलब इम्पोर्ट, जब हम चीज़ों को बाहर से अपने देश में लाते हैं, खरीदते हैं, तो उसे हम आयात कहते हैं। और तीसरा होता है जब हम पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में जो है, जैसे कि पैसे के रूप में, ठीक, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहता है ना, तो हम अपनी पूंजी को दूसरे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे लोग हमारे यहाँ करते हैं, तो इस तरीके में भी आयात निर्यात होता है। तो इसे हम एक्सटर्नल ट्रेड या बाह्य व्यापार कहते हैं। तो ये हो गया आपका, और यहाँ आपके परिवार फर्म, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, ये आपका चैप्टर कम्प्लीट होता है। और यदि आपके लिए ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो रही है, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन सारी जो है इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके, और अपनी वो तैयारी, अपने परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी वो बहुत अच्छे से कर सके। थैंक यू फ्रेंड।